आप सुबह उठ के क्या करते हो? तो सुबह उठ के सबसे पहले मैं लेता हूँ मैं जोर जोर से पूपा की आवाज आती है हर ओर से, और फिर उसके बाद मैं लड़की पटाता हूँ कॉल से। तो दोस्तों मैं बहुत अच्छे बच्चे हैं, लेकिन आप हैं गंदे। हाँ, सो गाइस आर यू रेडी फॉर मैड मंडे? मैड मंडे, हे मैड मंडे, मैड मंडे। तो चलिए देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। मेरे को आप बहुत पसंद हो, एक बार चीन टपाक टमटम बोल के दिखाओ ना प्लीज। चीन टपाक टमटम, हम सबका मकसद एक ही है, जेल की जिंदगी से छुटकारा, और हमारा दुश्मन भी एक ही है। क्या इसका मतलब भीम ने तुम्हें भी? हाँ, चीन टपाक टमटम चीपटाखदम पुख्त कड़िंबा उरलुशा कशिंबा। एक गधा रो रोकर दुआ कर रहा था, या खुदा मुझे पढ़ने की ताकत दो। खुदा ने उसकी सुन ली, अब वो मेरा कमेंट पढ़ रहा है। क्या आपने मुझे इनडायरेक्टली गधा कहा? जी हाँ सर। मारेंगे भाई, मुझे गधा कहने का तरीका कुछ ज्यादा ही कैजुअल है आपका, इसको बदल दो। मेरे साथ अन्याय हुआ है। एंजल प्रिया तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? एंजल प्रिया ये कौन है भाई? मैं तो सिर्फ एंजल राय को जानता हूँ, जिसकी पतली है कमरिया और कमाल की है चाल। गुलाबी साड़ी यानी लाली लाल लाल। लेकिन सिर्फ मैं ही उसे जानता हूँ, वो मेरे को नहीं जानती। एक तरफा प्यार, एक तरफा प्यार की खुशबू मेरे सांसों में समा गई, सात समुंदर पार में तेरे। बाबा जी आप व्लॉग क्यों नहीं बनाते, प्लीज रिप्लाई। मैं व्लॉग इसलिए नहीं बनाते क्योंकि मुझे व्लॉग बनाने ही नहीं आते। हाँ भाई, ऐसे पब्लिक प्लेस में ना कैमरा लेके मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले ही अपनी टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीती, तो उसके सेलिब्रेशन में भी मैं गया था और सोचा था बहुत अच्छा व्लॉग बनाऊंगा, लेकिन देखो जरा बनाया कैसे मैंने। भाई बात ये है कि मुझे सिनेमेटोग्राफी करने में बड़ा मजा आता है, मतलब सीन्स वगैरह लो ऐसे जी 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 वो सब करने में ज्यादा मजा आता है। व्लॉग में इतना कोई इंटरेस्ट है नहीं मेरा। ओके भैया, कुछ नहीं। कुछ तो कुछ नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, नेक्स्ट। एक मस्त शायरी सुनाओ बाबा जी प्लीज। अर्ज किया है, काली काली साड़ी में कढ़ाई नहीं होती, काली काली साड़ी में कढ़ाई नहीं होती, जानम तेरी याद में पढ़ाई नहीं होती, ब्रेकअप मेरे इतने हो चुके हैं कि मेरी अखियां अब तो बिल्कुल नहीं रोती, मेरी तो अभी शादी तक नहीं हुई और मेरे दोस्तों की हो गई पोती। चलो नेक्स्ट। भाई दारू पियोगे क्या साथ में? अरे नहीं भाई, मैं दारू वारू नहीं पीता, क्योंकि अभी तक दारू पीने से सिर्फ जान का खतरा होता था, लेकिन अब तो हाँ उसका भी खतरा होने लग गया है। भाई जरा दमदार आवाज में एक डायलॉग बोल के दिखाओ। मेरा मन कहता था कि तुम्हें मेरी परवाह है, पर विश्वास अक्सर धोखे का बीज होता है, वास्तविकता अक्सर निराशाजनक होती है, यानी कि होती थी। तो वास्तविकता के साथ जागो, लड़की के पीछे नहीं पैसों के पीछे भागो। मेरा सवाल थोड़ा कठिन है, बताओ मेरा सवाल क्या है? मेरा जवाब तो आपके सवाल से भी ज्यादा कठिन है, अब आप बताओ कि मेरा जवाब क्या है। आहा टमाटर बड़े मजेदार,
टमाटर वाला गाना सुनाओ अपनी आवाज में। खाना खाओ पानी पियो दिन में तुम चार बार, बड़े हो गए हो संभालो अब घर बार, घूमने फिरने को ले लो तुम चार कार, टेंशन हो तो बोलो यही बार बार, आ टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार। बाबा जी कभी YouTube छोड़ने का मन हुआ है? हाँ भाई बहुत बार छोड़ने का मन हुआ है, और कभी कभी तो मैं 15-20 दिन के लिए छोड़ भी देता हूँ, लेकिन फिर कुछ ऐसी हालत होती है। क्यों आई हो मेरे पास? ए, तुम मेरा साइड आया हो? अरे साइड की बातें छोड़ो। भैया आप एडिटर कौन सा यूज करते हो? अरे यार फिर से एडिटर? भाई एक बात सुन लो, ये एडिटर की मिस्ट्री मतलब मिस्ट्री हमेशा मिस्ट्री ही रहेगी, और ये मैं कभी नहीं बताऊंगा। मैं ऑमलेट खाऊंगा। हाँ ऑमलेट वॉमलेट खा के एकदम मस्त रहो, और बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, नहीं पसंद आया तो भी लाइक करो, क्योंकि अब डिसलाइक माना ही नहीं जाता। और यार कल मैं थोड़ा बिजी था, क्योंकि कल रक्षाबंधन था तो सभी लोग बिजी होंगे, तो कल ये वीडियो डाल नहीं पाया, तो आज डाल रहा हूँ, इसलिए मंगलवार को, सोमवार को नहीं डाल रहा, मंगलवार को। ठीक है, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मन कर तो फॉलो कर। जब मिलता हूँ तब तक के लिए बाय बाय।